हेलो एवरीवन करंटली वी आर स्टर्डिंग चैप्टर थ्री इन कंपाइलर एंड लेक्चर सीरीज दैट इज सिंटेक्स एनालिसिस और पार्सिंग तो लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि रोल ऑफ द पार्सर क्या होता है या पार्सर है वो बेसिकली कहाँ फॉल करता है कंपाइलर uh, के जो स्ट्रक्चर होता है या फेजेस होते हैं उसमें ठीक है तो जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम हम आज बात करने वाले कुछ प्रोग्रामिंग एडर्स की लेक्सिकल uh, एनालिसिस से जब बात कर रहे थे तब हमने बोला था कि उसमें एरर्स हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं अगर आपका जो सिंटेक्स है वो उसके हिसाब से नहीं है आपका टोकन है वो जैसे आप चाहते हैं पैटर्न उस हिसाब से नहीं है तो ये जस्ट डिक्लेयर कि दिस टोकन इज़ नॉट वैलिड बट प्रोग्रामिंग में सिटेक्स एनालिसिस होता है उसकी एरर्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किस फॉर्म में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें प्रिसाइज रूल्स या सिंटेक्स होता है ओके okay, रूल्स आप जहां भी वर्ड्स पढ़ते हैं वो किसके अकॉर्डिंग है किसके इक्वेलेंट है दैट इज रूल और फाइन सो जनरली होता क्या है अगर कंपाइलर किसकी वजह से बना होता प्रोसेस करेक्ट प्रोग्राम्स अगर कंपाइलर को सिर्फ करेक्ट प्रोग्राम्स ही प्रोसेस करने होते तो उसकी डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन बहुत ओवर सिंप्लीफाइड हो जाती इजीली बन सकती थी फाइन ये तो ऐसा हो गया कि लेट्स से वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच और दोनों टीम के खिलाड़ी हैं वो आइडियल हैं नो बडी इज इवन नो बडी वॉन्ट्स टू विन दोनों हैं वो बहुत आइडियल है तो ऑब्वियसली हम अंपायर की जरूरत ही नहीं पड़ती सिमिलरली हमें अगर एरर हैंडल नहीं करनी पड़ती कोई भी कंपायलर ने तो हमारा डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता greatly, okay? But important है ग्रेटली ओके बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कंपाइलर है वो एक ऐसा अंपायर है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप असिस्ट करेंगे आप हेल्प करेंगे किस में हेल्प करेंगे प्रोग्रामर को लोकेटिंग लौक, और ट्रैकिंग डाउन एरर्स एरर्स हैं वो कौन सी लाइन में है और उसकी टाइप क्या है ये दोनों आप उसको बताएंगे किसको बताएंगे प्रोग्रामर को ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ कंपाइलर ओके सो दैट इनएविटेबली क्रीप प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम में इनएविटेबली हमारा इंटेंशन नहीं होता हमारा इंटेंशन नहीं होता है फिर भी आ जाती है ओके okay? प्रोग्रामर की बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद काफी नो प्रोग्रामर होते हैं उनको पता नहीं होता तो एरर आ जाती है फाइन तो ये सेंटेंस मुझे काफी अच्छा लगता है अगर कंपाइलर को सिर्फ करेक्ट प्रोग्राम प्रोसेस करने तो तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसा हो जाता बहुत ईजी हो जाता है दैट इज वाई कंपाइलर हैजू प्रोसेस एरर्स एंड असिस्ट द प्रोग्रामर फॉर द टाइप ऑफ एरर्स ओके सो प्रोग्रामिंग एरर्स कैसे कैसे होती हैं जनरली uh, जो कंपाइलर के फेजेस होते हैं उस हिसाब से प्रोग्रामिंग एरर डिस्कस करें तो लैक्सिकल एरर्स होती हैं जो क्या कहती हैं मिस स्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स अगर आपने जो आइडेंटिफायर डिफ़ाइन किया है उसको मिस स्पेलिंग कर देते हैं वो कोई पर्टिकुलर टोकन के हिसाब से नहीं है फाइन या कोई ऑपरेटर को मिस स्पेल कर देते हैं इफ़ को मैंने एफ़ आई लिख दिया मैंने एक वेरिएबल बनाया था ए बी सी उसको मैंने गलती से ए बी सी लिख दिया फ़ाइन तो दिस इज़ करेक्ट दिस इज़ नॉन करेक्ट करेक्ट नॉन करेक्ट सो दी है हैव डन इट वी हैव सीन इट अलॉर ऑफ टाइम ओके जैसे मैंने एलिप साइज नाम का वेरिएबल बनाया था वो ई डबल एल आई पी एलेप साइज हो गया कोट्स मिस कर रहे हैं कहीं पे, ब्रैकेट्स मिस कर रहे हैं तो ये सब लैक्सी कलर से सिंटेक्सिक्स एरर क्या कहते हैं आप कहीं पे सेमी कॉलन भूल गए हैं जैसे कि यानी सिंटेक्स के प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपको प्रिसाइज रूल या सिंटेक्स के बारे में बोला गया है वैसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सिंटेक्स एरर हो गई ओके अपियरेंस ऑफ केस स्टेटमेंट विदाउट एन एनक्लोजिंग स्विच फाइन केस स्टेटमेंट्स हमें लिखना है okay. बट स्विच के अंदर नहीं लिख रहे हैं हम वैसे ही केसेस बनाते जा रहे हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट ओके okay, तो सी और जावा में सिंटेक्स काफ़ी अच्छे से फॉलो होती है दर आर सिंटेक्स डायरेक्ट लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट सिंटेक्स डायरेक्ट लैंग्वेजेस उसको स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस भी कहते हैं ठीक है सो so, वहाँ पे सिंटेक्सिक एरर का बहुत काम आता है और एर और किस टाइप की एरर होती है एक तो सीमेंटिक एरर होती है सीमेंटिक एरर का मतलब क्या होता है कि टाइप मिसमैच हो रही है जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं फाइन कि यू वॉन्ट टू एड समथिंग बट लेट से इफ़ आई राइट इंटीजर ए कॉमा बी एंड कैरेक्टर सी फाइन सो द थिंग इज इफ़ आई लेट्स ए वॉन्ट टू ए इज इक्व टू 3 बी इज इक्व टू 4 एंड इफ आई असाइन सी इज इक्व टू ए प्लस बी तो टाइप मिसमैच हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिमेंटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्या कि अगर ये दो चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं इन दोनों की टाइप कौन सी है इंटीजर है ए इज ऑल्सो इंटीजर बी इज ऑल्सो इंटीजर इफ टू इंटीजर्स आर एड एट द रिजल्ट शुड बी इंटीजर दो इंटीजर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट इंटीजर होना चाहिए बट सी है वो कौन सी डेटर टाइप है कैरेक्टर है

इस जावा मेथड का काम है रिजल्ट को प्रिंट करो और कुछ भी रिटर्न मत करो पर इस जावा मेथड के अंदर अगर लास्ट स्टेटमेंट है कहीं लास्ट स्टेटमेंट मैंने रिटर्न आई एस रिजल्ट मैंने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया गलती से फाइन तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी वाई बिकॉज यू हैव सेड योर जावा मैथड इज रिप्रेजेंटिंग वाइड या इट इज रिटर्निंग नथिंग ओके कई बार लॉजिकल एरर्स होती हैं अब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इसका सिंपल मीनिंग होता है ए को असाइन करिए बी और सी की वैल्यू पर गलती से मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं ए डबल इक्वल टू बी प्लस सी यहाँ क्यों लॉजिक गलत है ये स्टेटमेंट है वो चेकिंग ऑपरेटर है डबल इक्वल टू है वो चेकिंग ऑपरेटर है वो क्या करेगा बी प्लस सी करेगा सबसे पहले जैसे वन है यह टू है और ये फोर है या थ्री है अज्यूम करते हैं तो थ्री डबल इक्वल टू थ्री है तो ये क्या करेगा ट्रू असाइन करेगा अगर ये नहीं है तो क्या असाइन करेगा फॉल्स असाइन करेगा इट विल रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन फॉल्सर यू आर डूइंग सो इफ के अंदर अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ए डबल इक्वल टू टू तो वो ए की वैल्यू टू है कि नहीं वो चेक करेगा ओके okay? और इफ आई से दिस इफ इक्वल टू टू इसका मतलब क्या होता है इट विल थ्रो एन एरर नो इट वोंट थ्रो एन एरर बट इट इज अ लॉजिकल एरर प्रोग्राम चलेगा बट आपकी एरर लॉजिकल है वो क्या करेगा ए को टू वैल्यू असाइन करेगा तो ए को टू वैल्यू असाइन हो गई कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या रिटर्न करता है ट्रू चीज ट्रू रिटर्न करेगा और इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली होगा राइट तो इस तरीके के एलर लॉजिकल होती है सिंगल असाइनमेंट स्टेटमेंट की जगह डबल असाइनमेंट स्टेटमेंट करते हो समाइम्स और लॉजिक इज रॉन्ग तो हम सिंटेक्स जब सिंटेक्स एनालिसिस करते हैं तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं सिंटेक्स हैंडलिंग में फाइन कई बार सिंटेक्स एरर हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है क्यों क्योंकि प्रिसीजन ऑफ पार्सिंग मेथड्स पार्सिंग मेथड्स जो अब फेमस हो चुके हैं या पार्सिंग टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से सिंटैक्टिक एरर हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है और बहुत एफिशिएंटली होती है फाइन रीजन क्या है कुछ पार्सिंग मैथड जैसे एल और एल पार्सिंग मैथड है फाइन दैट वी आर गोन स्टडी लेटर वैन वी स्टडी टॉप डाउन एंड बॉटम पार्सिंग उसमें काफ़ी सारी मेथड्स आती हैं उसमें से दो मैथड्स हैं एल एल एंड एल आर पार्सिंग ओके उनमें होता क्या है जनरली एक वायबल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी होती है फाइन वायबल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि कुछ प्रीफिक्स उनके लिए जरूरी होते हैं अगर वो प्रीफिक्स नहीं आते हैं तो वो जनरेट कर देंगे कि एरर है जैसे सिंपल ग्रामर की बात करें कि ये है टैक्स आवर फाइन ऑनर फाइन देन वी हैव एप्पल्टेक्स के आगे क्या आएगा ए और क्या आगे क्या आएगा एन 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 फाइन कार के आगे क्या आएगा ए आएगा सो वी हैव समेटमेंट्स ही आगे कुछ प्रीफिक्स लगे हुए हैं so सो कहीं प्रीफिक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है आपको ऐसा ही वर्ड uh, चाहिए जो किससे स्टार्ट होता हो वॉल वो, वो से ओके okay. इसका मतलब है मुझे ये तीन वर्ड ही चाहिए ए वाले कोई भी वर्ड्स अलाउड नहीं है तो वायबल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या करती है अगर आपके प्रीफिक्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है वो कुछ प्रीफिक्स देख के ही बता देती है कि कैन यू यूज़ दैट ऑप्शन इन योर सिंटेक्स और नॉट सो उसे वायबल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी कहते हैं ओके दैट कैनॉट बी कैनॉट बी कंप्लीटेड टू फॉर्म अ स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज वो प्रीफिक्स से जान के ही बता देती है कि आपकी स्ट्रिंग uh, है वो यूज़ हो सकती है कि नहीं लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए ओके सो से वायबल प्रिफिक्स प्रॉपर्टी कहता है इस तरीके से सिंटेक्स एरर हैंडलिंग होता है पर सिंटेक्स एरर हैंडलिंग से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो क्या करना चाहिए कि एरर हैंडलर इन पार्सर हैज सम गोल्स जो सिंपल हैं देखने में सिंपल हैं सिंपल टू लुक एट दे आर सिंपल टू लुक एट और स्टेट

ओके okay, पहली चीज रिकवर फ्रॉम ईच एरर क्विकली इनफ टू डिटेक्ट द सिक्वेंट एरर्स अगर एक ही एरर में फंसे पड़े हैं लेट्स से यू आर इन टू लूप अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी लूप इनफाइनाइट है तो आप क्विकली उसको समझ लीजिए और आप सब एरर्स की ओर चले जाइए ये पर्टिकुलर लाइन में इनफाइनाइट लूप फॉल हो रही है इनफाइनाइट लूप जनरेट हो रही है वो लाइन स्किप करिए आगे चले जाइए ओके एड मिनिमल ओवर द प्रोसेसिंग ऑफ करेक्ट प्रोग्राम्स फाइन अगर कुछ एरर आ जाती है fine. कुछ एरर आ जाती है तो एरर रिपोर्ट कीजिए और प्रोग्राम आगे यूज करने लगे से मैं क्या करता हूं सी प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें चार फंक्शन है सी प्रोग्राम में फोर फंक्शन है क्योंकि okay. सारे फंक्शन जरूरी नहीं है कि मैं यूज कर रहा हूं मैं उसमें से कोई भी टू फंक्शन यूज कर रहा हूं जो करेक्ट है और टू फंक्शन है वो मैं नहीं यूज कर रहा हूं आई एम टू यूज फंक्शन एंड टू अनयूज फंक्शन ओके इसमें एरर है टू अनयूज्ड फंक्शन में एरर है तो क्या होगा अगर हमारा प्रोसेसिंग ओवरहेड ही इतना है कि जो यूज्ड फंक्शन है वो अच्छे से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो हम अनयूज्ड फंक्शन जो हम जिसमें एरर है उसको ही प्रोसेस करते रह जाएंगे मतलब अगर आप में प्रोग्राम में एरर हैंडलिंग में ओवर ज़्यादा होगा तो आपका जो करेक्ट प्रोग्राम है जिसमें एरर नहीं है वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो जाएगा ओके सो कॉमन स्ट्रेटेजी क्या है एरर रिपोर्टिंग की प्रिंट द ऑफेंडिंग लाइन जो आपकी ऑफेंडिंग लाइन है उसको प्रिंट करिए सबसे पहले तो ओके विथ अ पॉइंटर टू द पोजिशन एट विच एन एरर इज डिटेक्टेड आपका एक पॉइंटर बनाना है जो भी पोजिशन पे आपको एरर मिली है जैसे कि इफ आई राइट डाउन सम स्टेटमेंट सिंटेक्स है कि ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस ओके जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑपरन मिसिंग है तो डायरेक्टली हमें क्या करना चाहिए पॉइंटर लेना चाहिए कि आपकी सपोज ये लाइन नंबर एट है तो एरर को रिपोर्ट क्या करना चाहिए लाइन नंबर एट में पॉइंटर मिसिंग है तो हमारी एरर आएगी एरर की लाइन भी हमें पता है टाइप भी हमें पता है और कुछ मिसिंग है या नहीं मिसिंग है वो भी हम बता रहे हैं ठीक है तो सेंटेक्स एरर हैंडलिंग से इतना एक्सपेक्ट किया जाता है ओके सो वैन एवर वी वी स्टडी नेक्स्ट टाइम गोना स्टडी लेट्स से एरर रिकवरी स्ट्रेटेजीज ओके जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम स्टडी करेंगे एरर रिकवरी स्ट्रेटेजीज़ की कौन सी कौन सी एरर रिकवरी स्ट्रेटेजीज हैं वो यूज़ की जाती हैं ऐसी सेंटेक्स एरर को हैंडल करने के लिए ओके okay? आज के लिए इतना रखते हैं विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर गुड डे